अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 10 चल रहा है, रोटेशन का प्रॉब्लम 64 है। वो कहता है कि यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मास 20 केजी का, उसे हम माउंट करते हैं फ्रीली रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वो कहता है जनाबे वाला के पैरेलल 2 and 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक और एक्सिस रोटेट करवाया जाता है। व्हाट इज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन If the cylinder released from rest, initial velocity zero दे दी है, तो वो कहता है central longitudinal axis at the same height as the axis about which the cylinder rotates. What is the angular speed of cylinder as it passes through the lowest position? तो दो हिस्से हैं। पहले तो आपके पास जाहिर सी बात है हमने rotational inertia निकालना है, तो parallel axis theorem का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम कहेंगे एक सेंटर ऑफ मास वाला आपके पास आ जाएगा और एक जो दूरी थी आपके पास, तो हम कहेंगे आई प्लस एम एच आ जाएगा। एच आपको बताया गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपके पास हम जानते हैं सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ वैल्यू डाल दी, 1/2 एम पता है आपको और आपके पास आर भी मालूम है, आई 1/2 एम आर स्क्वायर और एम एच एम पता है, एच आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू डालिए। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो 0.15 केजी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला तो निकाल दिया। अब अगली चीज में हमने से उसने उसकी लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड मांगी है, तो हम कहेंगे जब ये पॉइंट घूमेगा तो ये अब आपके पास जाहिर आगे जा रहा है, तो ये आगे सेंटर ऑफ मास रहना तो इसी पोजीशन पे है, मगर जाहिर सी बात है जब ये चीज घूमेगी तो हम कहेंगे इसकी पोजीशन आगे जा रही है। तो हम कंजर्वेशन लगाते हैं कि गेन इन काइनेटिक लॉस इन पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉइंट नीचे आ रहा है, तो अब आपके पास 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर एम जी एच आ जाएगा। ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 एम जी एच ओवर आई। अब 2 भी मालूम है, एम भी मालूम है, जी भी मालूम है, एच भी मालूम है और आई भी मालूम है, सारी वैल्यूज मालूम है, तो ये 11 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी इसकी एंगुलर स्पीड। तो ये जनाब लोएस्ट पोजीशन पे, तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।